बात उस खबर की जिसे दिखाने और उस पर डिबेट करने से दिन भर पकड़ पकड़ करने वाली मीडिया बचती है उससे कन्नी काटती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, जिसके नए आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। नमस्कार, मैं हूं शिव। दोस्तों, क्या आपको पता है पिछले महीने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटा है और वो रिकॉर्ड है बेरोजगारी का। देश में बीते अगस्त महीने में बेरोजगारी दर 8.3% पर पहुंच गई है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2022 में बेरोजगारी सबसे हाई लेवल पर थी। इतना ही नहीं, 20 लाख यानी सिर्फ अगस्त महीने में 20 लाख रोजगार कम हो गए। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा 37.3% की बेरोजगारी दर के साथ सबसे खराब हालत में है। इसके बाद जम्मू कश्मीर 32%, राजस्थान 31%, झारखंड में 17.3% और त्रिपुरा में 16.3% लोग बेरोजगार हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि पिछले 8 सालों में 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन नौकरी मिली केवल 7 लाख लोगों को। अब जरा इसे आसान भाषा में समझिए। मान लो 1000 लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरा, आवेदन किया, तो उनमें से सिर्फ 3 लोगों को ही नौकरी मिली। अब इस आंकड़े से आप खुद अंदाजा लगाइए कि बेरोजगारी किस हद तक है। देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, लेकिन इस पर कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं, मानो बेरोजगारी कोई मुद्दा ही ना हो। दोस्तों, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।